हेलो एवरी वन एंड वेरी वार्म वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइस थर्ड पार्ट है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जी एस पेपर डिस्कस कर रहे हैं टू थाउजेंड सेवेंटीन का ऑलरेडी दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों तो फटाफट से शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले टीचर का प्रमोशन टीचर का इनक्रेजमेंट सबसे ज़्यादा आप लोग ही कर सकते हो ठीक है चाहे जितनी मर्ज़ी मार्केटिंग कर लो दोस्तों आप हमारे ब्रांड प्रमोटर्स हो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि अल्टीमेटली टीचर को इनक्रेजमेंट वहीं से मिलनी है कि उसको पास उसके बच्चे उसको इनक्रेज कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है तो शुरू करते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट जो एनाडेल से शुरू हुआ 1888 एटी एट बेसिकली हिमाचल के अंदर ही देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एनाडेल वहाँ से ये फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ ऑप्शन ए कहता है सुब्रोतो कप बी संतोष ट्रॉफी सी ड्यूरेंट एंड डी फेडरेशन सो जो फुटबॉल कप 1888 में अनाडेल में शुरू हुआ दैट वाज ड्यूरेंट कप सो द आंसर इज ऑप्शन सी सो ड्यूरेंट कप की अगर हम बात करें जिस जो, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है इंडिया के अंदर होता है 1888 से और एन बेसिकली शिमला के अंदर है बेटा वहाँ से ये शुरू हुआ था एंड इसको होस्ट करते हैं ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर तीसरा लार्जेस्ट फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट के अंदर ही आता है सेकेंड क्वेश्चन मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वाज लॉन्च्ड इन 1985 ये तो इन्होंने बता दिया अब ये कह रहे हैं कि ये जो मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 1985 में पालमपुर में ये किस कंट्री की टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ था कौन सी कंट्री से हम टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे मशरूम डेवलपमेंट के लिए और पालमपुर में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था ए ब्रिटिश बी डच सी अमेरिकन और डी ब्राज़ील वॉट विल बी द राइट आंसर अब देखो यहाँ पर बेसिकली पालमपुर पता है नाइनटीन पता है मशरूम पता है तीन हिंट गिवन है अब पढ़ा हुआ होगा तो आंसर कर दोगे नहीं तो तुक्का लगा के तो कोई फायदा है नहीं आंसर है ऑप्शन बी डच ठीक है तो मशरूम के अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आ, हिस्ट्री को देखते हो तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेट की कुछ ऐसी है कि मशरूम शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एक क्रॉप रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर कमर्शियल कल्टिवेशन मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए शुरू की गई थी पायलट बेसिस के ऊपर 1977 में उस टाइम पर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनडीपी है इन्होंने मिलकर के एक मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया था सोलन के अंदर 1977 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर इकलौती ऐसी स्टेट है जहां पर मशरूम को काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो किया जाता है सीड प्रोडक्शन के लिए बीजों की पैदावार के लिए सेवनथ फाइव ईयर प्लान में सत्तर लाख रुपए एलोकेट किए गए थे मशरूम डेवलपमेंट के लिए आ, स्टेट के लिए और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी सूटेबल कंसीडर किया गया था मशरूम कल्टीवेशन के लिए और इसीलिए एक बल्क पेस्चुराइजेशन यूनिट ताकि प्रॉपर जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जिससे आप सॉइल प्रिपेयर कर सकते हो न्यूट्रिएंट रिच सॉइयल प्रिपेयर कर सकते हो जिससे मशरूम ग्रोअर्स को हेल्प मिले इसीलिए एक बल्क पेस्टराइजेशन यूनिट जो है वो भी बनाया गया कहां पर कुल्लू में पता होना चाहिए जैसे अभी आपसे पेपर में 2017 हज़ार सत्रह में पूछे वो ये भी पूछ सकता है कि ये बल्क पेस्टराइजेशन यूनिट कहां पर सेट किया गया था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर में लॉन्च किया गया नाइनटीन के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डच टेक्नोलॉजी के साथ मशरूम प्रोडक्शन के अंदर और ये जो आ, प्रोजेक्ट था पालमपुर का ये नाइनटीन में ऑपरेशनल हुआ सोलन जो है इसको मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट बोलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बिना किसी हेर फेर के पूछा जा सकता है पेपर के अंदर आपकी एक यूनिवर्सिटी है विच इज़ कॉल्ड डॉक्टर वाई एस पार्मर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ना नॉनी के अंदर इसके अंदर भी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम चलता है कंटिन्यूअसली मशरूम के अंदर वाइल्ड मशरूम जो होता है उसको स्टेट के अंदर गुची भी कहते हैं, को गुची कहते हैं। तो है दोबारा भी नोबेल में, में प्राइज मिला अब देखो इसका आंसर याद करके कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि 2022 के अंदर वो केमिस्ट्री uh, का नोबेल प्राइज किसको मिला 2017 में वो तो पूछने नहीं वाला तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप के लिए लेकर के आया हूँ अब नॉबल प्राइज़ तो हर साल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2021 के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे 2022 के अंदर अक्टूबर नवंबर के अंदर ये अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे बट अपने लिए तो फिर 2021 वाले इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना प्रीलियम उससे पहले हो चुका होगा तो अल्टीमेटली आपको दो के सारे नॉबल प्राइज़ विनर्स के नाम पता होने चाहिए तो एक बार फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले फिजिक्स फिजिक्स के अंदर तीन लोगों ने नॉबल प्राइज शेयर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज स्वीप कोरो मनाबिक ठीक है इनको जो मिला था, वो मिला था, दो डाय पर कवर किए हैं एक तीसरा डायमेंशन मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया वो आप लोग कवर करोगे वो आप लोगों के लिए होमवर्क है तीसरा डायमेंशन है कि कौन सा नोबेल प्राइज विनर कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है नेशनैलिटी ठीक है वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको भी आपने ध्यान से देखना है ठीक है जी उसके बाद क्लॉस हेसलमेन इनको किस लिए मिला है अगेन अर्थ क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी ग्लोबल वार्मिंग की प्रेडिक्शन के लिए एंड जियोर्जियो पारिसी जियोर्जियो पारिसी को बेसिकली uh, जो अवार्ड मिला है दैट इज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम्स फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनिटरी स्केल्स ठीक है तो डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन जो होती हैं फिजिकल सिस्टम्स के अंदर उसके लिए इनको अवार्ड मिला है तो ये आपके फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री में दो हैं बेंजामिन लिस्ट इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलिसिस की डेवलपमेंट की है एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन इन्होंने भी इसी के अंदर काम किया था साथ में मिलकर के डेविड जूलियस इनको मेडिसिन के अंदर प्राइज़ मिला है दे हैव डिस्कवर्ड रिसेप्टर्स टेम्परेचर और टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में ओके एंड द प्राइज इज शेयरड बाय एडम पैटा पॉटियन ओके लिटरेचर के अंदर प्राइज़ मिला बेटा अब्दुल रजाक गुरनाह को एंड इनकी नॉवल नावल्स के लिए इनको बेसिकली ये प्राइज़ मिला है ऑल राइट जो नावल्स के अंदर इन्होंने कॉलोनियलिज्म और जो रेफ्यूजीज का जो फेट है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर उसके बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया एक और होमवर्क आपके लिए है जो आप कमेंट सेक्शन में, में मेरे को आप ये चीज़ें बता सकते हैं कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है अब्दुल रजाक गुरनाह की बुक का नाम आप मुझे बता सकते हैं पीस के लिए मारिया रेसा फॉर देयर से फॉर अर एफर्ट टू सेव गार्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है एंड देन वी हैव डेमिट्री डेमिट्री हैज़ ऑल्सो गॉट द प्राइज फॉर दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओनली ठीक है इकनॉमिक्स में आ जाओ इकोनॉमिक्स में डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड ने बेसिकली लेबर uh, इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया है जोशुआ डी एंग्विस्ट इनको प्राइज़ मिला है कॉजल uh, रिलेशनशिप के अंदर जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशनस किए हैं डब्ल्यू एम्बेंस ओके इनको भी कॉजल रिलेशनशिप के लिए ही प्राइस मिला है ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइप के लिए है पढ़े इस क्वेश्चन को विंबलडन टूर्नामेंट 2017 में किसने जीता वुमेन सिंगल ठीक है देखो ग्रैंड स्लैम बोलते हैं टेनिस के अंदर ना चार ग्रैंड स्लैम होते हैं एक होता है आपका विंबलडन एक होता है आपका यूएस ओपन एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक होता है आपका फ्रेंच ओपन ये चार टूर्नामेंट के विनर्स आपको याद होने चाहिए ये पूछे जा सकते हैं पहले भी पूछे गए हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं 2017 में किसको मिला था किसको नहीं अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि अब किस किस को मिला है दो में अभी तक देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और फ्रेंच ओपन हुआ है अभी आपका यूएस ओपन और आपका विमिल्डन ये अभी तक नहीं हुआ है ठीक है ये अभी तक नहीं हुआ पेपर से पहले अगर हो गए तो उनके भी याद कर लेंगे नहीं हुए तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रह गई तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल रेफेल नेडल ज़्यादातर विनर ही पूछता है ठीक है किसको हराया वो ज़्यादातर नहीं पूछता है और विनर की कंट्री का नाम भी याद रख लेना कि किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो रेफेल नेडल स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से वुमेन सिंगल मिला है ऐश्ले बाटी को ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं मेंस डबल भी याद रख लीजिएगा मेंस डबल जो वो मिला जो मिला है वो मिला है थैनेसी एंड निकोलस को दोनों ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं वुमेन्स डबल मिला है बारबरा और कैटविना को दोनों जेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं मिक्स डबल जिसके अंदर मैन और वुमेन दोनों रहते हैं सो दैट दिस हैज बीन वॉन बाय क्रिस्टीनिया एंड इवान क्रिस्टीनिया इज फ्रॉम फ्रांस एंड इवान इज फ्रॉम क्रोशिया तो ये याद रख लीजिएगा सिमिलरली फ्रेंच ओपन जिसको रॉलेंड गैरोस भी कहते हैं मेन सिंगल अगेन रेफेल नेडल ठीक है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सेम है वुमेन सिंगल इसके केस में है ईगा स्वेतिक जो पोलैंड को बिलोंग करती हैं मेंस डबल मार्सेलो और जीन ने जीता है मार्सेलो इज़ फ्रॉम एल सेल्वेडो एंड जीन इज फ्रॉम नीदरलैंड्स। वुमेन डबल इज़ कैरोलिन एंड क्रिस्टिनिया दोनों फ्रांस से बिलोंग करती हैं एंड मिक्स डबल इज एना एंड वेस्ले एना फ्रॉम जापान एंड वेस्टले इज फ्रॉम नीदरलैंड्स तो ये आप याद कर सकते हो ठीक है आराम से एक बार में याद नहीं होगा ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में बोल दिया तो याद हो जाएगा या ऐसा भी नहीं है कि एक बार में आपने रीड कर लिया तो याद हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस कुछ लोगों की एक टाइप ऑफ मेमरी होती है उसको हम बोलते हैं फोटोजेनिक मेमरी ठीक है फ़ोटोजेनिक मेमरी में क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ देखी एक बार वो आपके दिमाग के अंदर चिपक जाती है ठीक है पर वो बहुत कम लोगों की होती है दस हज़ार में से लाखों में से किसी एक की होती है ठीक है तो याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा खुद को नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर इस तरह के ये भी जस्ट फॉर टाइप है 2017 में ये पूछा गया था तो जो फर्स्ट होते हैं पिछले एक साल के फर्स्ट जो हैं वो आपके पास होने चाहिए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट फर्स्ट चेयरमैन फर्स्ट हेड जो भी आए वो आपके पास लिस्ट पूरी की पूरी बनी होनी चाहिए वो आपका करंट अफेयर का पार्ट है तो ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा वाई जगमीत सिंह ज इन न्यूज पर्सन इन न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो पर्सन इन न्यूज का एक थोड़ा सा तोता तो न्यूज में क्यों था 2017 में डायरेक्ट करेंट अफेयर का पार्ट है ठीक है अगेन जस्ट फॉर टाइप दिस क्वेश्चन इज बिंग शोन टू यू बेस्ट एक्टर्स अवार्ड इन सिक्सटी नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन अगेन नेशनल फिल्म फॉर अवार्ड या जो भी इंपॉर्टेंट ऑस्कर्स वगैरह हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेक्स्ट लिस्ट मैच करनी है आपको एंड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू हैज़ बिन गिवन टू यू अगेन रिलेटेड टू द प्रोफेशन है ठीक है जैसे यहाँ पर द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड लिस्ट टू के अंदर उनका प्रोफेशन गिवन है तो सच्चिदानंद वत्सयान आर्यभ्टा अयन कली एम फातिमा बीबी तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान आर्य भट्टा के ऊपर ही जाता है क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ यार मेरे को ये वाला सबसे ज्यादा आता होगा तो आर्यभट्टा के ऊपर ध्यान जाते ही मेरा एस्ट्रोनमर के ऊपर जाएगा ठीक है तो टू का हो गया फोर तो एलिमिनेशन अगर खेलें तो ए और बी तो उड़ गया नहीं सॉरी ए और बी नहीं टू का फोर हुआ ना तो टू का फोर बड़ा आसान क्वेश्चन है ए बी उड़ जाएगा क्योंकि टू में थ्री की है सी बी उड़ जाएगा टू में वन की है डी भी उड़ जाएगा टू में वन की है ठीक है तो आंसर ही बी बचता है तो मतलब अगर आपको सिर्फ आर्यभ्टा का भी मालूम है तब भी आपका ये आंसर हो जाना था ठीक है तब भी आपका ये आंसर हो जाना था तब भी कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी क्योंकि एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन बचता ही आंसर बी है ठीक है सो द आंसर इज बी अब देखो अपने को फातिमा बीवी का भी पता है शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट तो फोर का वन है ठीक है बी में फोर का वन है ठीक है उसके बाद जी आ, आपके जो दो ऑप्शंस बचे सच्चिदानंद वत्सयान वो क्या है आपके हिंदी पोएट है हिंदी पोएट है एंड आपके अयन कल्ली जो है अयन कली ही इज़ वॉट ही इज द हरिजन लीडर ठीक है तो अगर इनके बारे में नहीं भी पता था आर्यभट्टा पता आर्यभट्टा तो देखो आप एन सी आर पढ़ते ही हो प्रिपरेशन के लिए एक सीरियस कैंडिडेट को अगर आर्यभट्टा का नहीं पता तो फिर वो नहीं कह सकता कि यार पेपर मुश्किल था या मेरा तो लक खराब है या, या ये वो फिर उसकी तैयारी ही नहीं थी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हुज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न अगेन टाइप है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पता होने चाहिए सचिन तेंदुलकर को मिला था ये उस समय में नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह पर्सन इन न्यूज़ में से आप देख रहे हो कि तीन चार क्वेश्चन पूछ लिए उसने ठीक है फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर वाई दिस जगमीत सिंह वॉज इन न्यूज़ ठीक है भारत रत्न किसको मिला बेसिकली पर्सन एसोसिएटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं फर्स्ट वुमेन हुज नेम हैज बिन रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेन पर्सन इन न्यूज तो देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसने एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठाया करंट अफेयर का कि पर्सन इन न्यूज और वहीं से सारे क्वेश्चन बनाकर के डाल दिए अगेन दिस इज जस्ट फॉर द टाइप ये रिपीट नहीं हो सकते क्वेश्चन किसी भी हालात में पेपर के अंदर लेकिन ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है टाइप समझने के लिए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन द एसेंशियली वन पार्टी कंट्री द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया ये स्टेटमेंट किसने दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ एक ही पार्टी थी और पूरे देश के अंदर ही एक ही पार्टी थी कांग्रेस ठीक है असेंबली को आप कांग्रेस कह लो या कांग्रेस को असेंबली कह लो एक ही बात है ये किसने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है वो पास की गई थी वो सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है जैसे ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने क्वेश्चन में डाल दी ना वो किसी दूसरे की भी डाल सकते हैं हाल फिलहाल यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन सी ग्रेनविलता हूँ नजीरुद्दीन अहमद नजीरुद्दीन अहमद ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए उन्होंने क्या टर्म यूज किया जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको वो बोलते हैं ड्रिफ्टिंग कमेटी क्योंकि जो टाइम वो कमेटी ले रही थी ड्राफ्टिंग कमेटी ले रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में नज़ीरुद्दीन अहमद ग्रैनविल ऑस्टिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है इन्होंने ये बोला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन असेंशली वन पार्टी कंट्री द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया जो क्वेश्चन पूछा गया लॉर्ड विस्काउंट साइमन ये क्या बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज असेंबली को इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर मल्टी रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं ये सिर्फ एक की बॉडी है नेक्स्ट विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल ने भी क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इट रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ये बड़े इल्जाम थे कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच कैन बी डायरेक्टली आस्ट फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन नेक्स्ट अगेन आपको दो लिस्ट गिवन है एक तरफ आपको किताबों के नाम गिवन है और दूसरी तरफ बुक्स के बे, बेटा बेसिकली तो ये वो किताबें हैं जो अल्टीमेटली उस समय न्यूज़ में थी जो आ रही थी कि किसने कौन सी किताब लिखी है तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं फिर भी इसका आंसर है ऑप्शन बी ठीक है इसको अगर आप नहीं भी याद करोगे तब भी चल जाएगा चेक कर लेना बी के अंदर क्या क्या मार्ग है आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया बहुत इजी क्वेश्चन है अगर पॉलिटी पढ़ी है तो फिर मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता ऑप्शन ए केशव नंदा भारती केस ठीक है अभी मैं केशव नंदा भारती केस को डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज आर इन्वॉल्व इन द कावेरी रिवर डिस्प्यूट कावेरी रिवर डिस्प्यूट के अंदर कौन सी कौन सी स्टेट इन्वॉल्व है अब देखो जो भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के और जो जो स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व है वो आपको पता होना चाहिए हाल फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका तमिलनाडु केरला और प्यडीचेरी अब यहाँ पर इसने स्टेट स्लैश यूटी लिख दिया था इसीलिए प्यडीचेरी भी है इस डिस्प्यूट के अंदर इसीलिए आंसर में प्यूडीचरी आना जरूरी है ठीक है तो जो आपके सारे डिस्प्यूट्स हैं उनको देख लेते हैं जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं सबसे पहले आपका ट्रिब्यूनल बना था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वन महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में फिर आपका बना गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये डिस्प्यूट है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र मध्य और उड़ीसा के बीच में नर्मदा राजस्थान गुजरात एमपी और महाराष्ट्र रावी और ब्यास ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान कावेरी जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कर्नाटका केरला तमिलनाडु एंड पुडुचेरी डायरेक्ट क्वेश्चन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टू बना फिर अगेन महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा के बीच में वंशाधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ओडिशा और आंध्रा के बीच में महादेई गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे उसने कावेरी का पूछ लिया वो बाकी में से भी किसी में से पूछ सकता है तो आपको याद होने चाहिए चलिए सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइस एंड दिस इज इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल कोई डाउट हो कुछ भी कहना हो अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें कोई अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो ठीक है एंड चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय